Allah Rahman Rahim. On my left, Dr. Luca from Italy. He is actually the chairman of the Park Italian Association in Italy. Yeah. And I'm really grateful कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत मदद कर रहे हैं और जिस शहर से ये बिलोंग करते हैं उसी शहर से जो पाकिस्तान में अभी एम्बेसडर आए हैं वहाँ से तलक रखते हैं ये और काम तो इनका नहीं है, ये एक एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंटल हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इनकी बहुत सी खिदमात है और इनकी इस खिदमात में मैं पाकिस्तानी हुकूमत से भी लेटर ऑन रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको हम किस तरह इनकी खिदमत कर सकते हैं। इनके मुताबिक जो बॉर्डरिंग एरिया है इटली के साथ, वहाँ से पाकिस्तानी वाया अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की से होते हुए पहुँचते हैं और बहुत से तो जाते हुए मर जाते हैं, पानी से भी क्रॉस करना पड़ता है, पहाड़ों से भी क्रॉस करना पड़ता है। तो इन्होंने ये जो एक ख़ानदान यहाँ बैठा हुआ है, इनका एक बच्चा था जो इलीगली गया यहाँ से और ये वाया अफगानिस्तान से होते हुए इनके शहर में जब लैंड किया तो उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो मैनी टाइम मैनी प्लेसेस उसको अब्यूज़ किया गया, लेकिन इस हमदर्द इंसान ने जो कि सोसाइटी के हेड हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। उस बच्चे से मेरी उन्होंने बात कराई, ये फैमिली है जिनका वो बच्चा था। तो प्रॉब्लम जो इनका है और जो हमारा इस वक्त ये है कि जो इलीगल इमिग्रेशन पाकिस्तान से हो रही है उसमें हमारे बड़े बड़े अच्छे नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे इसको मौत का शिकार हो रहे हैं। आज उन्होंने मुझे जो अप्रोच किया वो इसलिए किया कि इन्होंने फैसला किया बेस्ड ऑन माई प्रोफाइल, जो मेरी इमिग्रेशन की भी है, DGFIA की भी है, इंटीरियर मिनिस्टर की भी है, कि आप हमें कोई ऐसा तरीका सजेस्ट करें कि हम इस इलीगल इमिग्रेशन का खात्मा कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, और वो लोग जो चले गए हैं उनको आइडेंटिफाई करके अगर उनको सालम मिल सकती है तो सालम दिलवा दें, लेकिन जब तक उनकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर ना हो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये हम वर्क करेंगे वे एंड मी, और मेरे से उन्होंने रिक्वेस्ट की एक रिसर्च पेपर की कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो मैं नेचुरली अफीस बिलला विदाउट एनी कास्ट मैं इनको वो बना के दूंगा एक रिसर्च पेपर, और अगर मुझे भी ये ज़रूरत पड़ेगी जो मैं इनसे पूछा ये भी मुझे रिसर्च पेपर बना के देंगे। उसके लिए हमने दोनों ने एक नॉन बाइंडिंग सा MOU साइन किया है और उस MOU के बेसिस पे हम एक दूसरे के साथ सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन, माइग्रेशन लॉज, हाउ टू इम्प्रूव द सिस्टम और हाउ टू एक्चुअली मेक अमेंडमेंट्स इन ऑल, इनका भी कानून है कि अगर कोई डिक्लेयर कर दे कि मैं अंडर एज हूँ तो खा उसकी सफ़ेद दाढ़ी हो, वो उसको जब तक वो उसका प्रूफ ट्रिब्यूनल नहीं कह देता कि ये इसकी उम्र 18 साल से कम है, ख्वाह वो 60 साल का है 40 साल का है, वो उसको कुछ नहीं कह सकते। तो इनके कानून में भी खामियां हैं, हमारे कानून में भी खामियां हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो खामियां हम दूर करें। और दूसरा जो डिपार्टमेंट इसको डील कर रही हैं, अब फॉर एग्जांपल इसको 1979 का इमिग्रेशन लॉज डील करते हैं, 14 साल सजा है, लेकिन मैंने अपने पूरे करियर में कभी ये सजा होते देखा नहीं है। जहाँ तक हमारे एम्बेसीज का तल्लक है वहाँ पे स्टाफ बहुत कम है, वो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। मुझे खुद पता है कि मैं टर्की गया था, वहाँ हज़ारों लोगों की लाइन में लोग होते हैं लेकिन वहाँ पे उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं या उनको भेजा जाता है। तो लिहाजा एक तो हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स जो पाकिस्तान से गए हुए पकड़े जाते हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होना चाहिए। जैसे कि मैं इनसे बात कर रहा था कि जो पाकिस्तान से लोग आप समझते हैं पाकिस्तानी हैं, वो हो सकता है पाकिस्तानी ना हो, वो अफगानी हो, वो श्रीलंकन हो, या वो किसी और मुल्क से हो लेकिन वो पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। लिहाजा इन सारी वेरिफिकेशन के लिए, इन सारी चीज़ के लिए मेरी टीम जो है इसकी एक इस पर पूरी रिसर्च करेगी, जो हम एक पेपर हुकूमत को भेजेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेजेंगे विद रिकमेंडेशन, ताकि कानून को हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। ऑन टू मिस्टर डॉक्टर लुका फ्रॉम इटली। Van, very nice to meet you, very nice to see you. Thank you for this great appointment. You know, as director of Italia-Pakistan Association Friuli Venezia Giulia chapter, we are here for asking the help of this honorable senator to help us for stopping, you know, this trafficking of kids and also this trafficking of adults that departs from Pakistan and the neighbor region to Italy. We don't want to see more dead people during this terrible trip. We don't want to see more dead people, dead kids during the border of Iran, Turkey, during the Balkanic route in Europe. All the Pakistani are welcome, are most welcome in Italy,
with a visa and with a safe journey in a plane. So I'm very glad, and I continue to say thank you to the senator. Thank you, Dr. Luca. I promise you, our government, ourselves, our people are grateful to Italy. Italy and Pakistan are great friends. I met you over affable and man with wisdom, your ambassador here. Yeah. I hope I'll be dining him on dinner tomorrow or day after tomorrow, and we will discuss this thing, and then I will send my recommendation to the government also as to what is to be done. But in the meantime, make sure that Pakistani public's name is misused. Normally, Afghanis go under the cover of Pakistani. So therefore, I will request you, I'll request your government to make sure that you make the full inquiries before you make up your mind that somebody is Pakistani. Thank you very much. I'm really grateful for adopting their child who was very badly abused on the way. And in the meantime, meri apne Pakistani bhai bhaiyon se aur wo log jo naukri ki talash mein jana chahte hain Europe mein, aap bhul jaye, wahan paisa nahi milta hai, jail mein jaate hain, raste bahut kharab hain, bahut si duniya marti hai, kuch kashtiyon mein mar jati hai, kuch mukhtalif truckon mein jaate hain. वे हमारे सीओ बता रहे थे कि ट्रकों पे डाल देते हैं, उसके ऊपर घास डालते हैं और उन चने और पानी थोड़ा दे देते हैं और घोड़ा गुड़ दे देते हैं, बस आप ये 8-10 दिन आपने चलते रहना है और इसी पे आप रहना है. तो इस तरह अगर एक इंसानी जानों के साथ ऐसे खेला जाए तो उसका खात्मा पूरी इंटरनेशनल कम्यूनिटी का एक मामला है. बहरहाल, हमें पाकिस्तानियों से एडवाइस करूँगा कि आप बाहर की नौकरी की तलाश के लिए किसी इलीगल तरीके से, किसी इलीगल रिक्रूटिंग एजेंट के थ्रू, कोई जो आपको किसी किस्म का झांसा दे उस झांसे में ना आए, क्योंकि दुनिया बहुत तेज हो चुकी है, कानून बहुत आगे जा चुके हैं, फिंगरप्रिंट के बगैर आगे कोई जा नहीं सकता. या फिर आप दरियात क्रॉस करना चाहते हैं जमे हुए बर्फ से, तो आखिर में फिर वो डेड बॉडी मिलती है. आई होप कि जो मैं छोटी सी बात की है, पाकिस्तानी इस पर अमल करते हुए कोई भी कोशिश नहीं करेगा कि जो किसी के झांसे में आके बाहर जाने की कोशिश करेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.